दोस्तों अगर आपको ये वाकया मजेदार लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका इस पर रिएक्शन कैसा रहा जब आपको पता चला कि अश्विन ने बीच मैदान में बिना किसी को बताए अच्छा खेलने के बावजूद भी कैसे मैदान छोड़ दिया। दरअसल लखनऊ और राजस्थान के बीच आईपीएल का आज अहम मैच खेला जा रहा है। इस मैच में पहले तो राजस्थान की हालत खस्ता नजर आई, लेकिन बाद में अश्विन और हेटमायर ने थोड़ी धुआंधार बल्लेबाजी की। अश्विन ने तो दो लगातार छक्के लगाकर ये बता दिया कि वो बेहतरीन बल्लेबाज भी हैं। लेकिन तभी एक वाक्य ऐसा हुआ कि अश्विन मैदान छोड़कर जाने लगे और नया बल्लेबाज बीच मैदान में आ गया। जी हाँ, अश्विन डगआउट की तरफ भागते हुए नजर आए और उनके साथी खिलाड़ी हेटमायर भी इसको देखकर भौचक्के रह गए कि आखिर दरअसल हुआ क्या। विरोधी कप्तान केएल राहुल भी लखनऊ की तरफ से ये सोच रहे थे कि आखिर क्या हुआ, अश्विन शानदार तरीके से खेल रहे थे तो फिर क्यों उन्होंने मैदान छोड़ने का फैसला किया। दरअसल उनके पेट में प्रेशर बना था और इस बात का खुलासा मैच के बाद हुआ और वो इसी कारण बीच में मैदान छोड़कर चले गए। उनके स्थान पर प्रयाग आए जो 8 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन अश्विन के डगआउट में तुरंत भागने का ये सोशल मीडिया पर एक सवाल बन गया कि आखिर क्या हुआ था कि अश्विन को बीच मैदान से भागना पड़ा। हालांकि इसको बाद में रिटायर्ड आउट का नाम दिया गया, लेकिन असली वजह क्या थी ये शायद ही किसी को पता हो। लेकिन मैच के बाद इसका खुलासा हुआ कि उनके पेट में थोड़ा प्रेशर सा बन रहा था और अच्छा खेलने के बावजूद भी उन्होंने मैच में से वापस जाने का ये फैसला किया। हालांकि ये वाकई में एक मज़ेदार वाक्या है, क्योंकि इससे पहले कोई भी बल्लेबाज आईपीएल में आज तक बीच में से मैच छोड़कर नहीं भागा। ये सब हुआ अश्विन के कारण। अश्विन ने अपना नाम इस चीज़ में भी पहले दर्ज करा लिया। अगर आपको भी ये वाक्य पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें।